हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं, अभिनंदन कुमार आज़ाद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज लेकर, जिस चीज़ के लिए आप लोग मुझे जानते हैं। अभिनंदन कुमार आज़ाद जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज में लेके आता हूं। पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल के बच्चे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही बच्चे हैं, वो भी जनरल कंपटीशन में ट्राई कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं और छोटे एग्जामों के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी जो वैकेंसी निकलती है, जैसे कि हाल में ही निकला हुआ था आरआरबी जेई का वैकेंसी, उसमें भी आपने गौर किया होगा कि उसमें भी जनरल स्टडी के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो इस जनरल स्टडी के टॉपिक्स कहाँ से कवर किया जाए, इसके लिए काफ़ी बच्चों में क्वेश्चन किया हमसे। तो वो जनरल स्टडी के लिए, चूंकि उन लोगों का जानकारी होती नहीं है, उनका तैयारी होती नहीं, उसके बारे में उन्होंने पढ़ा नहीं होता है 4 सालों से, तो उसके बारे में वो पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वीडियोज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जनरल स्टडी के टॉपिक से भी अवेयर रहें। तो एक वीडियोज आपका मेरे प्लेलिस्ट में वो भी रहेगा, तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनरल स्टडी का टॉपिक वो है, सबसे पहला है जनरल स्टडी का टॉपिक, वह है प्लैनेट के बारे में, जो कि लूसेंट में आपको सबसे पहला टॉपिक मिलेगा, जो कि है सन। सन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सन क्या है? तो सन एक स्टार है, एक तारा है, जिसे आप बाकी तारों को देखते हैं, उसी प्रकार से सन भी क्या है, एक तारा ही है। और जानते हैं इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं यहाँ के लेके आया हूँ। तो इम्पॉर्टेंट तो जो भी बुक में है, सारा का सारा इम्पॉर्टेंट ही है, पर फिर भी जो उसमें से मुझे इम्पॉर्टेंट लगा उसको मैंने यहाँ लिस्ट आउट किया है। जैसे सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितना है, जिसे मैं बचपन में याद किया करता था, 14.7 करोड़ किलोमीटर। तो उस प्रकार से मैंने यहाँ मेंशन किया है। देखिए, हिंदी समझना याद रखना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए मैंने हिंदी में ही लाया, क्योंकि आपको याद रखना, उसके बाद तो इंग्लिश वहाँ पे देख ही लोगे, बस टिक ही तो करना है। उसके बाद है सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी। सूर्य से पृथ्वी की ये न्यूनतम दूरी है 14.7 करोड़ किलोमीटर है, अधिकतम दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये है सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी। देखिए, न्यूनतम दूरी कई बार पूछा जाता रहा है, अधिकतम दूरी बहुत कम पूछा जाता है, पर वो पूछा जाता है तो ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है सूर्य का व्यास, जो भी कभी कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा टेक्निकल एग्जाम्स में, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा, याद किया होगा आप लोगों ने, 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। उसके बाद है ये इम्पॉर्टेंट कि सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो वह 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड के करीब आप याद रख सकते हैं। ये है आपका सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। उसके बाद है सूर्य की आयु। सूर्य की आयु लगभग है 5 मिलियन वर्ष। इसके बाद ये उम्मीद किया जाता है कि सूर्य डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर सूर्य की बात करें, ये भी आप लोग टेक्निकल फील्ड से हो तो आपको पता होगा कि सूर्य में कितने हाइड्रोजन है, कितना परसेंट हीलियम है और कितना अन रासायनिक मिश्रण है। तो सूर्य में जो है हाइड्रोजन की संख्या है, अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन है 71%, हीलियम है 26.5% और अन रासायनिक मिश्रण जो है वो 2.5% है। सूर्य सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण को संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पे आप जानते होंगे, क्योंकि आप टेक्निकल फील्ड से हैं, साइंस के बैकग्राउंड से हैं, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे संलयन अभिक्रिया होता है, और संलयन अभिक्रिया में आपको हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है, बदलता रहता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निकलता है। संलयन अभिक्रिया में करीबन 3 से 4 गुना ज़्यादा एनर्जी निकलता है विखंडन अभिक्रिया से। जो विखंडन अभिक्रिया, जो कि परमाणु बम जो विस्फोट होता है, जैसे कि आपका परमाणु संयंत्र होता है, उससे जो एनर्जी निकलती है उससे कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा एनर्जी संलयन अभिक्रिया से निकलती है। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो है ग्रह प्लैनेट के बारे में। तो प्लैनेट हमारे पास, जानते ही हो कि पहले नो प्लैनेट था, फिर प्लूटो को प्लैनेट की का जो संज्ञा था उससे हटा लिया गया प्लैनेट से। तो अब कौन कौन से ग्रह बचे हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो ग्रह कहते किसको हैं? तो ग्रह की कुछ स्पेसिफिक परिभाषा है, जिस परिभाषा को प्लेटो फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए प्लेटो को ग्रह से हटा लिया गया, ग्रह की का मान्यता उसको प्रदान नहीं किया गया है। तो ग्रह क्या है? ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो प्लेटो क्या है कि भाई वो दूसरे ग्रहों के जो कक्षा उससे होकर गुजरता था, जिसके कारण उसको हटा लिया गया था। नेक्स्ट है, सभी ग्रह सूर्य के से
के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है, लेकिन शुक्र जो है, शुक्र और अरुण दो ऐसे हैं जो उल्टा घूमता है, इस ये इसके विपरीत परिक्रमा करता है। सभी लोग तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ठीक है, यहाँ तक कि पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, तभी तो सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर उगता हुआ नजर आता है, पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो ये इस प्रकार से चलता है। उसके बाद अगर हम सूर्य में ग्रहों की दूरी के क्रम के अनुसार हम ग्रहों को देखें, तो सबसे पहला ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है वह है बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण और वरुण। तो ये है उसके ग्रहों की संज्ञा जिस प्रकार से आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट ग्रहों का आकार घटते क्रम में सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र और उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। तो इस प्रकार से ग्रहों का जो आकार के अनुसार घटता हुआ क्रम है। तो चलिए, ये सब चीज़ें आप लोग बहुत सारी चीज़ें तो जानते होंगे, बस आपको रिवीजन की ज़रूरत है कि आपने बहुत दिनों से छूटा हुआ एक क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका समय निकल जाएगा। तो बस आप इन चीज़ों को क्या कीजिए, एयरफोन लगा के बस सुन लीजिए, सुन लेंगे आपको बस एक बार रिकॉल हो जाएगा तो सब चीज़ ये याद रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है एक एक ग्रह के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो एक एक ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला है बुध ग्रह, बुध है जिसको मरकरी भी कहते हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट का भी ग्रह है। ये सूर्य की परिक्रमा करने में मात्र 88 दिन में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है और ये सबसे कम समय लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में। इसका कोई उपग्रह भी नहीं है और इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के कारण भैया वहाँ पर रहना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर जीवन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वायुमंडल नहीं। वायुमंडल का बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं जो आप जानते हो, आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे। तो जैसे ही वायुमंडल चुकी नहीं है इसलिए उस पर जीवन संभव नहीं है। अगर हम पृथ्वी से इसकी तुलना करें तो पृथ्वी के आकार का ये मात्र 18 गुना छोटा है, यानी 1/18 ही उसके आकार का है। तो बहुत छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। अगर हम गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर बहुत कम है, पृथ्वी की तुलना में 3/8 ही बुध पर गुरुत्वाकर्षण बल है, तो गुरुत्वाकर्षण भी बहुत कम है वहाँ पर। और बुध का तापांतर सर्वाधिक है, ऑब्वियस सी बात है, चूँकि वो बहुत नज़दीक है अपने तारा जो कि है सबसे नज़दीक का तारा जो कि सूर्य है उसके बहुत ही नज़दीक है। तो वहाँ पे जो तापांतर होता है, तापांतर मतलब जो रात का तापमान है और जो सुबह का तापमान है, जो न्यूनतम तापमान और जो अधिकतम तापमान, अगर हम उन दोनों का अंतर निकालें तो तापांतर वह 560 सेंटीग्रेड का इसमें अंतर पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर एक इंसान का तापमान इतना तेज़ी से चेंज करे तो फिर वहाँ पे कुछ रहना, वहाँ पे जीवन संभव हो पाना मुश्किल है, क्योंकि इतना तापांतर को सह नहीं सकता। हाँ, गर्म रहे या ठंडा रहे, कुछ भी रहे, वहाँ पे उस अनुसार के जीव जंतु विकसित हो सकते हैं, पर इतना तापांतर को सह पाना ये बहुत मुश्किल काम है। अगर घूर्णन की बात करें तो ये 58.6 दिन का घूर्णन काल लेता है। और इसका अगर कृत्रिम उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह तो कोई है नहीं इसका, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, पर इससे कृत्रिम उपग्रह है वह है मेरिनट 10, जो कि इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो चलिए, बुध के बारे में यही है जानकारी आपकी। तो नेक्स्ट के बारे में हम चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं वह है शुक्र। शुक्र जिसको हम वेनस भी कहते हैं, शुक्र जो कि सबसे चमकीला है तथा सबसे गर्म ग्रह भी है। बुध बहुत नज़दीक है पर सबसे गर्म ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन है, शुक्र है। इसके अलावा अगर ग्रह इसका तापमान देखें तो ये 500 सेंटीग्रेड वहाँ पर तापांतर था, यहाँ पे हम लोग ताप की बात करते हैं जो कि कितना है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लगता है, अगर ये शुक्र जो है इसको सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं, 225 दिन लगते हैं। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है, जो कि मैं पहले ही पिछले ही स्लाइड में बता चुका हूँ आपको। एक और है, एक अरुण है, वो भी क्या करता है, उल्टा दिशा में पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके अलावा सारे ग्रह जो होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का परिक्रमा करते हैं। तो चूंकि ये उल्टा घूमता है इसलिए इसमें सूर्योदय भी उल्टा होगा, यहाँ पूरब में सूर्य का उदय होता है, वहाँ पे किस में होगा, पश्चिम में सूर्य का उदय होगा। अगर इसके वायुमंडल की अगर हम बात करते हैं तो इस ग्रह के वायुमंडल में लगभग 95% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मात्र 3.5% भाग नाइट्रोजन है
और बहुत सारे बाकी सारे जो गैस हैं वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये है इसका शुक्र का संरचना, जिसके वायुमंडल की संरचना है वो है। उसके बाद नेक्स्ट है, शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। एक और चीज़ आपको मैं पहले बता दूँ, जिनको लग रहा है कि चूंकि मैं बहुत धीमे धीमे बता रहा हूँ तो वो वीडियो का स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, जिनके पास समय की कमी है वो वीडियो का स्पीड बढ़ा लें और उसको उसे वो सुन सकते हैं। सुन कर ही एक बार अगर आपका रिकॉल हो गया तो सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि आपका सब कुछ बचपन में पढ़ा हुआ होगा, बस आपने बहुत समय से इसको देखा नहीं है तो बस आप आपकी स्मृति से थोड़ा सी विलुप्त हो गई है, तो सब रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये शाम को और सुबह आपके धरती से ही वो दिख जाता है, वो चमकीला तारा के रूप में दिखता है, लगता है कि कोई तारा है पर तारा नहीं, क्या होता है, ग्रह है ये वेनस, जो चमकता हुआ सब सुबह भी दिखता है और शाम को भी सबसे पहले यही दिखता है चमकता हुआ, तो ये शुक्र है। उसके बाद नेक्स्ट, शुक्र को पृथ्वी की भगनी, भगनी मतलब बहन कहा गया है, भगनी ग्रह कहा गया है क्योंकि यह आकार घनत्व में पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसको हम लोग भगनी ग्रह क्या कहा गया, क्या कहा गया, क्योंकि बिल्कुल ये पृथ्वी के सिमिलर दिखता है, इसमें आकार घनत्व और व्यास सभी में ये बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट कौन से ग्रह है। तो नेक्स्ट के ग्रह से पहले कुछ एक और पॉइंट्स हैं इसके बारे में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि पृथ्वी के समान है तो हमने देखा इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच होने के कारण यह भी अंतर्ग्रह की श्रेणी में आता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में है तो इसको क्या कहते हैं, अंतर्ग्रह। इसी प्रकार से एक और अंतर्ग्रह कौन है, बुध भी है, जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। उसके बाद नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट वह है पृथ्वी, जो जिस पे हम लोग रहते हैं उसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो पृथ्वी क्या है भाई, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, और किसी भी ग्रह पे जीवन नहीं है। लोगों को भ्रम है और वो भ्रम को आप दूर कर लें कि कहीं किसी भी और ग्रह पे जीवन नहीं है, सब वेरीफाइड है, वहाँ जीवन रहने का संभावना ही नहीं है, वहाँ पे परिस्थितियाँ ही ऐसी नहीं है कि कुछ जीवन पाया जा सके, खासकर वो जीवन जो धरती पे है वो तो वहाँ नहीं पाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जीवन पाए जाते हैं उसके लिए जो ज़रूरत है, जो कंडीशंस की ज़रूरत है, वो किसी और ग्रह पे है ही नहीं। हाँ, धरती सौरमंडल के बाहर के बारे में बात नहीं की जा सकती, पर सौरमंडल के अंदर कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिस पे जीवन संभव हो सके। सूर्य से दूरी पर यह तीसरे स्थान पे आता है, सबसे पहले स्थान पे कौन है, बुध है, उसके बाद कौन है, शुक्र है, उसके बाद कौन है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी तीसरे स्थान पे आता है सूर्य से दूरी के अनुसार। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रहों के आकार एवं द्रव्यमान में यह पांचवा स्थान रखता है। ये भी मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि जो आकार और आयतन में जो सबसे बड़ा है उस ग्रहों के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था, तो उसमें भी पांचवा नंबर पे था। अगर हम पृथ्वी पर बात करें तो पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष में नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो ये जो पानी है उसके कारण ये बाहर से नीला दिखाई देता है। लोगों को कुछ भ्रम होता है, जैसे उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो वो बोल देते हैं पानी के कारण। ऐसा नहीं है, पानी के कारण हम धरती से यदि बाहर जाके इसको देखें तो बाहर से ये नीला दिखता है, ना कि धरती से अगर हम आकाश की ओर देखें तो आकाश का नीला दिखने का ये रीजन नहीं है। क्या रीजन है विशेष आप जानते होंगे, नहीं जानते तो हम लोग आगे धीरे धीरे अपने लेसन में इसको डिस्कस करेंगे। इस लेसन में तो हम लोग यही देखते हैं कि अगर हम धरती के बाहर से इसको देखते हैं, इस ग्रह को, पृथ्वी को, तो ये नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी का 71% भाग जल है, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, पर इसको याद भी रखना है कि 71% भाग जल है, जिसके कारण ये नीला दिखना और भी नीले दिखने का रीजन है, क्योंकि अधिकतर भाग में जल ही है, जल ही के कारण क्या क्या होता है, ये नीला दिखता है। उसके बाद 29% क्या है, स्थलीय है, यानी कि भूभाग है, स्थल है जहाँ पे आप रह सकते हैं, बाकी के 71% पानी है। यह अपनी अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 23.5 डिग्री झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन में मुख्य ये भूमिका अदा करता है। मैं ऋतु परिवर्तन को भी समझाऊंगा, क्योंकि इसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। लोगों को लगता है कि जब धरती पृथ्वी के पास होती है तो वो गर्म होती है और वहाँ पर गर्मी पाया जाता है, पर दूर होती है तो ठंडा पाया जाता है, पर ऐसा नहीं है। पृथ्वी ऐसे घूमती है, ऐसे सन यहाँ पे है और ऐसे ऐसे घूमती है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को,
कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को लगता है कि ऐसे घूम रही है एक अक्ष पे, एक है इस अक्ष पे वो घूम रही है, और यहाँ पे क्या है, सन है, ये वृत्ताकार अक्ष पे वो घूम रही है। तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे रहेगा धरती तो वहाँ पे उसको ठंड लगेगी, यहाँ पे रहेगा धरती तो वहाँ गर्मी पाई जाएगी, पर ऐसा नहीं है। आप देखते हो एक्चुअली ये थोड़ा सा झुका हुआ है ऐसे, ठीक है। तो झुका हुआ होने के कारण कभी उत्तरी गोलार्ध इसकी तरफ पड़ता है, कभी दक्षिणी गोलार्ध, जब यहाँ पे आएगा तो ये वाला गोलार्ध इसकी तरफ, सन की तरफ चला जाएगा। तो इसके कारण गर्मी और सर्दी पाए जाने का मेन रीज़न ये है, इसको मैं फिर कभी एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे, चूँकि ये वीडियो बना हुआ है तो इसमें एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो ये एक मुख्य रीजन है कि 30.5 डिग्री जो झुका हुआ, इसी का ऋतु परिवर्तन होता है। उसके बाद है एक और, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इस स्लाइड में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जो कि चंद्रमा के बारे में है। चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा यहाँ है और चंद्रमा के बारे में वहाँ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाती है, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसको भी हम लोग जानें कि चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाती है, 2 बार 90 डिग्री पे आता है, आ जाता है, ठीक है। उसके बाद चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, जबकि सूर्य ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आधार से होता है। क्यों होता है भाई, चंद्र ग्रहण कब होता है? एक तो पूर्णिमा को होता है, जब भी होगा पूर्णिमा को ही होगा चंद्र ग्रहण। और ये कब होता है, क्यों होता है भाई, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच यदि पृथ्वी आ गया तो चंद्रमा का ग्रहण लग जाएगा, क्योंकि बीच में आ गया पृथ्वी, सूर्य और चांद के बीच में आ गया है, तो क्या हो गया, चांद छिप गया है, चांद पर डायरेक्ट जो रोशनी पड़ती थी सूरज की वो नहीं पड़ रही है, जिसके कारण कौन सा ग्रहण लग गया है, चंद्र ग्रहण लग गया है, क्योंकि चंद्रमा पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। सूरज ही क्या है, देखो इसको याद कैसे रखा जाए, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कौन कौन बीच में आएगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कौन कौन बीच में आएगा। तो याद रखिए सूर्य ही नारायण है, सूर्य के पीछे जो चल गया भाई, सूर्य के पीछे छिप गया सूर्य से, सूरज और चांद यहाँ है, ये सन है और यहाँ पे मून है, अगर इसमें बीच में क्या आ गया, पृथ्वी आ गया है, तो कौन सा ग्रहण लग जाएगा, चंद्र ग्रहण लग जाएगा, चांद के पास सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही है। अगर उल्टा हम बात करें, यहाँ पे कौन है, सन है, यहाँ पे कौन है, पृथ्वी है, अर्थ है, और बीच में अगर कोई मून पहुँच जाए तो कौन आ गया, देखो चांद सूरज को क्या कर दिया, मून ने घेर लिया है, मून जो है सन और अर्थ के बीच में आ गया, तो अभी कौन लग जाएगा, सन ग्रहण, सूरज ग्रहण लग जाएगा। सूरज नहीं छिपना चाहिए, सूरज को किसी ने घेर लिया तो भाई, अर्थ अगर बीच में आ गया है तो अर्थ आ गया तो अर्थ तक तो सन की रोशनी पहुंच ही रही, तो सन के ग्रहण तो लगेगा नहीं, पर मून चूंकि पीछे छिप गया तो मून का ग्रहण लग जाएगा। और अगर उल्टा हम देखें तो अर्थ अगर छिप गया है तो भैया किसका ग्रहण लग जाएगा, क्योंकि सन का अब रोशनी अपने प्रकाश अर्थ तक नहीं पहुंच पा रहा है, इस प्रकार से सूर्य का ग्रहण लग जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है आपका कि इसकी एक तो पूर्णिमा की ये चीज देख चुके थे हम लोग, इसके बाद देख रहे थे इसकी उच्चतम पर्वत चोटी का नाम लिबनिटिस है, जिसकी ऊंचाई 35,000 फुट है, 35,000 फुट मतलब 10,668 मीटर के बराबर है, इतनी ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी है इसकी। चंद्रमा का व्यास, ये चंद्रमा के बारे में हम लोग देख रहे हैं, सूरज के बारे में नहीं देख रहे हैं, चंद्रमा के बारे में देखें, चंद्रमा का व्यास लगभग 3476 तथा त्रिज्या 1738 किलोमीटर है। सूर्य के चंद्रमा में, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि को साइनोडिस मास या चंद्रमास कहते हैं, कि सूरज अपना चक्कर काटता है और ये चांद अपना, तो सूरज की तुलना में अगर चांद का हम देखें तो चांद को चक्कर काटने में जो लगता है समय, उसको चंद्रमास कहते हैं। इसी होता है कि जैसे कि कुछ लोग समय को जो मेजर करते हैं, कुछ चंद्रमा के जो चक्कर कितने दिन में काटता है उसके अनुसार वर्ष और समय को मेजर करते हैं, कुछ लोग कहते हैं सूरज के अनुसार समय को मेजर करते हैं। तो ये है हमारा टाइम मेजरमेंट का जो हमारा जो पद्धति है, जो विक्रम संवत वगैरह है, ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, इन सब चीज़ों को लेकर बनाया गया है, जिसके कारण हमारा जो टाइम टेबल है, हमारा जो वर्ष का समय है वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वह चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, इसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, क्यों कहा जाता है फिर हम कभी देखेंगे, पर यहाँ पे हम लोग विशेष याद रखें जीवाश्म ग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वह चांद ग्रह थोड़े ना है, पर उसका नाम रख दिया गया जीवाश्म ग्रह, तो उसमें क्या कर लोगे आप।
तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। उसके बाद चंद्रमा पर जुलाई 1969 में अपोलो 2 अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन आर्ड्रिन गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। ये याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी नामक स्थान चंद्रमा पे है। तो ये भी स्थान कहाँ पे पाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। चंद्रमा के बारे में और भी चीज़ें देखते हैं कि चंद्रमा क्या, पृथ्वी देखो स्लाइड थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ये स्लाइड यहाँ पर रहना चाहिए था, क्योंकि अर्थ के बारे में यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं और चंद्रमा के बारे में पॉइंट्स उधर लिखा हुआ था, तो थोड़ा सा आगे पीछे स्लाइड्स हो गया, पर कोई बात नहीं, हमें हर चीज़ तो पढ़ना ही है, उसको मैंने बता ही दिया है। तो पृथ्वी के बारे में देखिए, पॉइंट्स कुछ यहाँ पे मेंशन है। पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य है, और इसके बाद का तारा सूर्य के अलावा जो सबसे निकट का तारा है वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यह भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी, पृथ्वी के सूर्य के अलावा सबसे निकट का तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो पृथ्वी से कितना दूर है? 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये बहुत दूर है, जो सूर्य के अलावा जो भी तारा है ना, इससे पृथ्वी से कम 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है, जो कि बहुत दूरी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है भाई? तो 12756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12714 किलोमीटर है। तो ये अपने जानते हैं ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास क्या होता है, क्योंकि ध्रुव पर क्या है, चपटा है थोड़ा सा पृथ्वी, ठीक है, ध्रुव पर चपटा है, तो ये वाला व्यास कम रहेगा ध्रुवीय व्यास, और विषुवतीय व्यास क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो वो है भी दिख ही रहा होगा आपको, एक है 12756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास क्या है 12714 किलोमीटर। उसके बाद है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो कि प्राकृतिक उपग्रह है। तो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। जब उपग्रह की बात की जाए तो प्राकृतिक उपग्रह की ही बात की जाती है, कृत्रिम उपग्रह की बात नहीं की जाती है। कृत्रिम उपग्रह की जब बात की जाएगी तो स्पेशली मेंशन होगा कृत्रिम उपग्रह। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चंद्रमा के बारे में, जो इतना देर से पढ़ रहे थे, तो उसके बारे में और भी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं चंद्रमा के बारे में। क्या है भाई? यह एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी के 1/4 के बराबर है। तो मात्र 1/4 ही चंद्रमा का आकार है, ये ध्यान रखें। चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम सेलेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी, ठीक है, सेलेनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड में करता है, तथा इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई देता है। तो ये एक भाग दिखाई देने का मैकेनिज्म है कि जितना समय वो परिक्रमा करता है उतने ही समय में अपने एक अक्ष पे घूम भी जाता है। तो एक ही भाग सदैव दिखाएगा। जब एक जगह रह के अगर पूरा घूमे तभी तो तुमको पूरा कपड़ा दिखेगा। अब तुम्हारा पूरा कपड़ा चक्कर भी उतने ही समय में काट लिया, उतने समय में घूम भी गया, तो सिर्फ आपको एक ही भाग दिखेगा हर वक्त, कभी भी पूरा भाग नहीं दिखने वाला। नेक्स्ट, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी होता है वह 38,465 किलोमीटर। ये चंद्रमा का क्या है? पृथ्वी से दूरी है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, तो चंद्रमा, ये था चंद्रमा के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट और भी पॉइंट्स हैं पृथ्वी और चंद्रमा से रिलेटेड, जो पॉइंट्स हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है ये? तो ये है किलोमीटर प्रति घंटा के 4 से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड तक चक्कर लगाती है। ये वहाँ से पॉइंट्स उठ के आया है, फिर इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसका आधा पॉइंट कटा हुआ है, दूसरे स्लाइड में आया है, पृथ्वी और सूर्य के पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्तीय पथ पर करता है। ध्यान रहे, वो वृत्ताकार पथ नहीं होता, वो दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है, इलिप्स होता है, ठीक है, पथ पर करता है। और ये कितने समय में कर लेता है? इसकी चाल पहले देखिए, 29.72 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में देखो कितना तेज स्पीड से घूम रहा है वो, लगता है हमको कि कितना धीरे धीरे चल रहा है, पर कितनी स्पीड से घूम रहा है वो दीर्घवृत्तीय वृत्ताकार पथ पे, 29.72 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 29 किलोमीटर वो चल जा रहा है पर सेकेंड की रफ्तार से। और कितना समय लगाता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड लगाता है, यानी कि लगभग 365 दिन 6 घंटे समय लगाता है वो अपने वृत्ताकार पथ पे सूर्य के चारों ओर घूमने में, ठीक है। नेक्स्ट,
पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। जैसे वहाँ पे चंद्रमा जो जितने देर में चक्कर काटता उसको क्या कहते थे, ये चंद्रमास, और यहाँ पे उसको कहते हैं सौर वर्ष। ठीक है, क्योंकि एक महीने में वो चक्कर काटता है, इसी अनुसार हमारा बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे कर दिया गया 30-30 महीने का समय जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है, तो उसके कारण हमारा समय गड़बड़ा जाता है। क्योंकि हमारा समय जो आता है कि हम महीना मापते हैं किस पे, चांद, जो चांद एक दूरी तय कर लेता है, एक बार पूरी चक्कर काट लेता है पृथ्वी को, उसको लोग महीने में मापते हैं। और साल मापते हैं पूरा, जब पूरा पृथ्वी चारों ओर सूरज के चारों ओर चक्कर काट लेता है, तो उसको हम कहते हैं सौर वर्ष। पर वो सब हमारा पद्धति था जिसको विक्रम संवत में हम लोग यूज करते हैं, पर यहाँ पे अंग्रेजी कैलेंडर चल रहा है जो सुविधा के लिए लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, तो ये इंडिया भी फॉलो करने लगा। हम लोगों को तो आदत है दूसरों के पीछे पीछे चलने की, आगे तो हम चल नहीं सकते। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। याद रखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तथा यह दूरी लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। इस अवस्था को उपसौर कहते हैं, जो सबसे निकट होता है पृथ्वी सूरज के, उसको क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होता है, लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था को अपसौर कहते हैं। ठीक है, अपसौर और उपसौर को याद रखिए, कब होता है, कब कहते हैं, जब दूर रहता है तो सबसे ज़्यादा दूर रहता है तो हम उसको अपसौर कहते हैं, सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है तो उसको हम उपसौर कहते हैं। सबसे नज़दीक जो होता है वो होता है 14.70 करोड़ किलोमीटर, और सबसे दूर होता है वो होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 18 सेकंड पहुंचता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, तथा चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 25 सेकंड में ही पहुंच जाता है, क्योंकि चंद्रमा नज़दीक है, प्रकाश तो भाई अपना स्पीड से चलता है। तो ये है आपका डिटेल्स सूरज चांद पृथ्वी इन सब सारों के बारे में, सभी के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग मंगल के बारे में देखते हैं। मंगल ग्रह जो सबका मंगल करता है, उम्मीद करते हैं आपका भी मंगल करेगा। ये मंगल को कहा जाता है मार्स अंग्रेजी में, मंगल ग्रह को भाई लाल तारा भी कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह चूँकि लाल दिखता है, तारे जैसा दिखता है, तो लाल तारा भी कहा जाता है, चूँकि ग्रह है तो चूँकि इसको हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल का लाल रंग क्यों होता है तो ये भी पूछा जाता है, ये आयरन ऑक्साइड की अधिकता वहाँ पाई जाती है, इसी कारण वो हमें बाहर से लाल दिखता है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से वह वहाँ मौसम परिवर्तन होता है। तो देखो मौसम परिवर्तन, देखो यहाँ पे 23.5 डिग्री पृथ्वी झुका हुआ है, 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुका हुआ जिसके मौसम परिवर्तन होता है, वहाँ भी कितना झुका हुआ है, 25 डिग्री झुका हुआ, जिसके कारण वहाँ भी मौसम परिवर्तन होता है। तो ये भी बहुत अच्छा है, तो पृथ्वी के बाद अगर कहीं पर जीवन पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा बनती है, सबसे पहले मंगल पर बनती है, इसलिए मंगल पर लोग ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर रहने की पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं, वहाँ भ्रमण के लिए लोगों को ले जाया जा रहा है, और लोग पैसे भी कमाएंगे। अब टूरिस्ट वहाँ जाएंगे तो पैसे भी सरकार को मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है, लगभग क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री है, वहाँ पर भी 25 डिग्री है, तो लगभग अक्षीय झुकाव भी सेम है और दिन का मान भी लगभग पृथ्वी के समान ही है। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगा लेता है। तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि अगर आप यहाँ रह रहे हो फिर वहाँ चले जाओ तो बहुत कम का डिफरेंस आएगा आपके सामने। फिर मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य की परिक्रमा करने में ऑब्वियसली बात है बहुत लंबा समय दे रहा है, तो यानी कि 1 साल का समय वहाँ पर बहुत बड़ा होगा। इंडिया में 365 दिन होता है, पृथ्वी पर वहाँ पे 687 दिन लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में। यह ग्रह वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, इसके वायुमंडल में क्या होता है, 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, 2-3% नाइट्रोजन और 2% आर्गन गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन देख ही रहे हो, ऑक्सीजन नहीं है कहाँ से जियोगे। उसके बाद नेक्स्ट है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। तो ऑब्वियसली बात वहाँ से जैसे यहाँ पे दिखता है चंद्रमा दिखता है, वहाँ पे ये सब दिखेगा, फोबोस और डिमोस दिखेगा। ठीक है, तो ये है मंगल के बारे में आपकी जानकारी, ये सब की मंगल करेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मंगल के बाद, मंगल के बारे में भी कुछ और जानकारियाँ हैं, उसको भी हम देख लेते हैं इस स्लाइड में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो कि है ओलिपस मेसी,
वो इसी ग्रह पे है, यानी मंगल पे ही है सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पे है? मंगल पे है। उसका नाम क्या है? ओलिपस मेसी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो है निक्स ओलंपिया। ये कहाँ पे है? ये मंगल ग्रह पे। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 3 गुना है। तो सोच रहे हो सकते हो कितना ऊंचा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है जुपिटर जो है बृहस्पति। क्या है भाई जुपिटर? बृहस्पति तो आकार में दृष्टि सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में ये 5वें स्थान पे है और ये पृथ्वी से लगभग 1300 गुना अधिक बड़ा है, ठीक है। तो ये काफ़ी सबसे बड़ा ग्रह है और पृथ्वी से तो है 1300 गुना है। तो सोच लो कितना बड़ा ग्रह है ये। यह ग्रह अपने धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट 10 सेकंड में अपने धुरी पर चक्कर लगाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीना 12 वर्ष लगते हैं। तो यह चूंकि बहुत बड़ा ग्रह है फिर यह बहुत तेज़ी से घूमता भी है तो उसके कारण ये टाइमिंग चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जुपिटर के बाद। जुपिटर के बारे में कुछ जानकारी और भी देख लेते हैं और हम लोग शनि के बारे में भी देखते हैं। जुपिटर के बारे में क्या जानकारी है भाई? इस ग्रह में वायुमंडल में, इस ग्रह के वायुमंडल में यानी कि जुपिटर की बात करें, बृहस्पति की बात करें, तो उसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता है। तो देखिए हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ भी है, वहाँ भी आग लग जाएगा तो वो भी सूरज बन जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आग लगने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब जलाना है माचिस लगे, नहीं, वहाँ पर संलयन अभिक्रिया होता है। यह अभिक्रिया का शुरू हो जाएगा तो वहाँ पर भी ढेर सारी एनर्जी जनरेट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बृहस्पति के लगभग 16 उपग्रह हैं। देख रहे हो बृहस्पति कितने उपग्रह हैं? 16 उपग्रह, जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। ये पीले रंग का है, गैनीमीड जो है वो पीले रंग का उपग्रह है और ये सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का। नेक्स्ट सैटर्न, शनि के बारे में हम देखते हैं। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों एक छल्ला पाया जाता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें इसके सबसे कौन सा ग्रह है जिसके चारों छल्ला पाया जाता है? तो कौन सा ग्रह है वो? शनि, जिसके चारों छल्ला यानी कि बलय पाया जाता है। इसकी प्रमुख पहचान भी हम लोग इसी से पहचानते हैं शनि को। तो शनि सबसे खतरनाक ग्रह है। यह काले रंग का ग्रह है, ठीक है। तो पूछा जाए काले रंग का कौन सा ग्रह है? तो शनि है। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में करता है, ठीक है। कितने वर्ष में करता है? 29 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है शनि, ठीक है। इसका घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम इसका घनत्व है, ठीक है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। तो देख लो कितना खतरनाक है। हर जगह लोग शनि से डरते रहते हैं, यहाँ भी क्यों है भाई? क्योंकि ये लाल दानव कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है ये सब डिटेल हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम शॉर्ट में हम लोगों को पढ़ना है, कि हमारे पास टाइम है नहीं, कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़नी है। तो ये सब चीज़ें चूँकि कम है तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको बस रिवीजन कर लेते हैं, कोई क्वेश्चंस आ जाए तो छूटे ना, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शनि के बारे में कुछ और चीज़ें देखेंगे और इस लेसन को ख़त्म करेंगे। अरुण हो गया, वरुण पढ़ेंगे, बस ख़त्म करेंगे। तो शनि के बारे में और भी है, चूँकि ये सबसे इसको काला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसको लाल दानव भी कहा जाता है, इसलिए इसे मैलेजिक्स लाइक प्लैनेट्स भी कहा जाता है। टाइटन जो है, टाइटन जो कि अभी अभी नाम आया होगा, टाइटन जो आपने एवेंजर्स देखा होगा तो टाइटन ग्रह का नाम सुने होगे तुम लोग। टाइटन ग्रह जहाँ पे थैनोस रहता है, तो यहीं से नाम लिया गया है टाइटन का। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका आकार लगा बुध के समान है। ये सबसे मतलब एक जितना बड़ा एक ग्रह है ना, उतना बड़ा तो इसका एक उपग्रह है, ठीक है। इसका एक उपग्रह है जो कि बुध के बराबर है। इतना बड़ा बुध है ना, उतना बड़ा इसका उपग्रह है जो टाइटन है। ये ब्रह्मांड का सबसे ब्रह्मांड नहीं, सौरमंडल की अगर बात करें, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह कौन है? टाइटन है, ठीक। और जो किसका उपग्रह है? शनि का। टाइटन ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल एवं गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। उपग्रह होने के बाद भी इसमें ग्रह जैसे सारे गुण भी पाए जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ग्रह है, ये उपग्रह है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अरुण, यूरेनस। यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में यह 7वां स्थान रखता है। अरुण ग्रह को की खोज सर विलियम हर्सल ने 13 मार्च 1781 को की थी। अरुण ग्रह सूर्य की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, सॉरी शुक्र की तरह
शुक्र भी दो ही तो ग्रह हैं, एक शुक्र है और एक अरुण है जो उल्टा दिशा में घूमता है, वो पूरब से पश्चिम घूमता है। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, इसके कारण वहाँ सूर्योदय पूरब में होता है और पश्चिम में सूर्य का सूर्य डूबता है, जबकि शुक्र और अरुण के पास उल्टा होता है। यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा से होती है और डूबता सूरज किधर है, पूरब दिशा में। नेक्स्ट, यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है, तो इसका घूर्णन काल 10 से 25 घंटे होते हैं। तो ये भी याद रखें, 84 वर्ष में ये क्या करता है, सूरज की पूरी परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगा देता है, जितना इसका घूर्णन काल 10 से 25 घंटे होते हैं। तो चलिए, यह अरुण के बारे में था, थोड़ा सा और अरुण के बारे में जानेंगे और उसके बाद वरुण के बारे में जान के हम लोग इसको ख़त्म करेंगे इस लेसन को। तो बस कुछ ही बचा है, तो बस ख़त्म करते हैं इसको हम लोग। क्या है भाई, अरुण के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है, और इतना ज़्यादा झुका हुआ चूँकि 82 डिग्री बहुत हो जाता है, तो 82 डिग्री झुका हुआ, इसके लिए इसको हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं कि ये लेटा हुआ है, तो लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। किसको, अरुण को, ठीक है। इसका आकार पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है, लेकिन इसे बिना दूरबीन को के नहीं देखा जा सकता है, इसे खुली आँखों से ये नहीं दिखेगा हमें। खुली आँखों से बहुत सारे ग्रह दिख जाते हैं, तो ये नहीं दिखने वाला खुली आँखों से, इसको बिना दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, जबकि ये इतना बड़ा है, 4 गुना है पृथ्वी के से। इसमें मीथेन गैस का अधिकता के कारण यह हरा रंग का दिखाई देता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मीथेन गैस पाया जाता है, इसलिए हरा दिखता है। नेक्स्ट, अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाया जाता है, जिसका नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इलिप्सलॉन है, जो यहाँ पाया जाता है, चारों जो वलय पाया जाता है उसका नाम है। इसके अलावा इसमें कितने उपग्रह हैं, 21 उपग्रह हैं, जिसमें प्रमुख उपग्रह हैं मिरान, एरियल, ओलिवरॉन, टाइटेनिया और कॉलिडिया, ओफेलिया इत्यादि इसके उपग्रह हैं, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि ये किसका उपग्रह है नाम देकर, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है वरुण, नेपच्यून। वरुण क्या है भाई, इस ग्रह की खोज 1846 में हुआ था, और किया था किन्होंने, जॉन गाले ने किया था। तो नेक्स्ट भी हम लोग और भी चीज़ें देख लेते हैं वरुण के बारे में, और क्या है भाई वरुण के बारे में, वरुण के बारे में और भी पॉइंट्स हैं, जैसे यह सूर्य की परिक्रमा 166 वर्ष में करता है, यह पीले रंग का दिखाई पड़ता है क्योंकि इसमें वायुमंडल में क्या होता है, अमोनिया होता है, हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है, नाइट्रोजन होता है, इसी कारण इसको हम लोग पीला ग्रह कहते हैं, पीले रंग के दिखाई देने के कारण। इसके 8 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन एवं नेरिड प्रमुख हैं। इसके बाद कुछ और छोटे पॉइंट्स हैं, बस लास्ट स्लाइड है ये। एक है क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, एस्टेरॉयड जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ये क्या होता है भाई क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित अनगिनत सूक्ष्म पिंडों को क्षुद्र ग्रह या अवांतर का ग्रह कहते हैं। तो ये कहाँ है क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे पिंड है, ये ग्रह नहीं है, पर छोटे छोटे पिंड है, तो इसको ग्रह कहना भी उचित नहीं है, कितने छोटे छोटे पिंड को हम लोग ग्रह नहीं कह सकते। तो ये कहाँ पे है, मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। उसके बाद उल्का पिंड जिसको मेट्रॉयड कहते हैं, ये क्या है भाई, ये धूल और गैस के पिंड होते हैं जो पृथ्वी के निकट से गुजरने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर गतिमान हो जाते हैं और स्वयं चमकने लगते हैं, जल जाता है ये, इसको क्या कहते हैं, उल्का पिंड। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो चलिए इसमें यहीं पर रखते हैं, इस लेसन में काफ़ी समय हो गया, तो ऐसे ही एक एक करके टॉपिक्स में सारे डिस्कस करूँगा, सारे के वीडियो बनाऊँगा, और आपको बस क्या करना है भाई, आपको कान में लगाना है, सुन लेना है, सब कुछ याद हो जाएगा, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है कि आप किताब पढ़ो और याद करो। तो आप राह चलते कहीं भी अगर वॉकिंग के लिए गए हो तो वहाँ पर भी आप ईयरफोन लगा लीजिए, वीडियो चला लीजिए, आप उसको सुनते रह सकते हैं, बस रिकॉल ही तो करना है, जितना रिकॉल रहा उतने से ही आपका जितना क्वेश्चन हो पाया उतना बहुत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का कि आप लोग हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को देखा, इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये मैं आगे भी बनाता रहूँगा, जितने भी जनरल स्टडी के टॉपिक्स हैं, बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं जो जनरल कंपटीशन आप लोग देते हो, उसमें बहुत सारे, जैसे कि अभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स मैं बना ही चुका हूँ, इसके अलावा भी मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबको डिटेल में बनाऊँगा। एक तो UPSC का भी मैं शुरू करने वाला हूँ, जो आपका सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है उसके लिए मैं एक शुरू करने वाला हूँ लेक्चर का, एक प्लेलिस्ट शुरू करूँगा, जिस सारे उस प्लेलिस्ट में सारे जो वीडियोज होंगे वो स्पेशली किससे रिलेटेड होंगे, आपके
सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम से रिलेटेड होंगे, तो वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जितने भी जनरल कंपटीशन होते हैं उस सब में उस पैटर्न तो उसी का फॉलो किया जाता है। एसएससी के वगैरह का भी तो एसएससी वगैरह तो यही पूछा जाता है, आसान सी चीज़ें, पर यूपीएससी में थोड़ा सा लेवल अप होता है और काफ़ी डिटेल में चीज़ों को पूछी जाती है। तो एक बार हम डिटेल में उस सब चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, जिसको आप खासकर छोटे बच्चे जो स्कूलिंग में हैं अगर वो इस वीडियोज को देख लेते हैं तो उनको आगे के कंपटीशन में काफ़ी मदद मिलने वाली है। क्योंकि बच्चों को देखो सपने तो सब बच्चों के पास होता है, पर उनको पता नहीं होता पैटर्न क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या है पैटर्न। अगर वो सिलेबस तो वही रहता है, अंडर टेंथ का ही सिलेबस रहता है, जो भी जनरल स्टडी के टॉपिक्स रहते हैं वो अंडर टेंथ का ही रहता है, तो अंडर टेंथ से ही बच्चे उन सब चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। तो आप अपने छोटे भाई बहनों को भी ये सजेस्ट कर सकते हैं, उनको बताइए कि वीडियो देखें, उससे थोड़ा सा उनको गाइडेंस मिलेगा और वो शुरू से ही उस गाइडेंस के को लेकर चलेंगे कि ये सब चीज़ें वो पढ़ के रखेंगे। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही होगी, दिक्कत होगी भी, क्योंकि आप टेक्निकल चीज़ें पढ़ें या फिर यहाँ पर जनरल स्टडी की चीज़ें पढ़ें, तो जो टेक्निकल फील्ड में है, खासकर टेक्निकल फील्ड के बच्चे जो मेरे से जुड़े हुए हैं, तो देखा ही होगा उन्होंने आरआरबी जेई में जनरल कंपटीशन जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस आ गए, जनरल साइंस तो फिर भी उन्होंने कर लिया, फिर जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस आ गए, तो जनरल साइंस भी मैं डिस्कस करूँगा, जनरल नॉलेज भी डिस्कस करूँगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पे मैं धीरे धीरे करके वीडियो डालता रहूँगा। तो चलिए इस लेसन में इतना ही था, इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो लेक्चर में मैं आगे भी वीडियो डालता रहूँगा, और जैसे ही कोई कंपटीटिव एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आता है मैं उस कंपटीटिव एग्जाम्स के बारे में सारे डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो आपको सबसे पहले उसका अपडेट मिलता है, उसके पैटर्न्स में डिस्कस करता हूँ, खासकर टेक्निकल जो भी वैकेंसी निकलती है उसका तो मैं डालता हूँ। जैसे कि आरआरबी जेई का निकला तो उसके पैटर्न्स वगैरह सब डले हुए हैं, सीबीटी 1 हो चुका है, सीबीटी 2 होने वाला, उसका भी सिलेबस क्या क्या वो सब कुछ मेरे वीडियो लेक्चर में है, तो उसको ढूंढिए प्लेलिस्ट में और सब कुछ देखिए, उसको फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं। अगर लगता है कि समय ज़्यादा लग रहा है तो आप उसका स्पीड बढ़ा सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, पर इसको देखिए जरूर एक बार, कि वो बहुत मददगार आपके लिए साबित होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों से आग्रह है कि आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबा कर रखिए, ताकि जैसे ही कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आए तो मैं वीडियोज़ बनाऊँ आपके तक तुरंत सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए, जो भी नए वीडियोज़ ऐड करूँ मैं कम से कम नोटिफिकेशन एक बार तो पहुँच जाए, देखना ना देखना तो बात की बात, आपको पता तो रहे कि ऐसा वीडियो अपलोड हो भी चुका है। तो आप ज़रूर मेरा बेल आइकॉन क्लिक करके रखिए और सब्सक्राइब करके रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इस लेसन में इतना ही था, धन्यवाद।